हेलो, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सारजू का टाँका सिखाने जा रही हूँ। इसे हम ओवरकास्टिंग स्टिच भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि कपड़े के किनारे के धागे निकलते हैं इस तरह से। देखो, मैंने पहले सिलाई लगा दी है और फिर साइड की सीम है, पैंट की गिदरी है, और इसके धागों को रोकने के लिए, देखो जैसे ये धागे निकल रहे, इन धागों को रोकने के लिए हम सारजू काटा का प्रयोग करते हैं। और इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो हम दोनों तह को लेकर कर सकते हैं। देखो, ये दो दो तह, एक और दो, दोनों जुड़कर। और कई बार ज़रूरत होती है, जैसे पैंट के पीछे साइड में करते हैं, तो तब हम क्या करते हैं कि इसकी सिलाई को चीर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से चीर करके, प्रेस करके, और फिर एक इधर से और फिर इधर से, मतलब दोनों साइड करते हैं। और इन इसको जैसे कंधे की सीम है, साइड की सीम है, बाजू के आर्म होल पे भी हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में कपड़े सिलते हैं तो मशीन नहीं होती हमारे पास, क्योंकि ये मशीन से भी हो जाता है और ये हाथ से भी होता है। तो इसलिए मैं आज आपको हाथ का सारजू का टांका बता रही हूँ। देखिए, ये तिरछा टांका लिया जाता है और इसकी चौड़ाई 2 सूत यानी कि 2 पॉइंट तक की हम रखते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम लेंगे, इस तरीके से। ये देखिए, अब इसको तिरछा टांका करना है। 2 सूत, 2 पॉइंट हम दूरी लेंगे। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट की दूरी होगी, और या 2 सूत भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इन धागों को रोकने के लिए, ये देखिए, इस तरह से तिरछा, इसको तिरछा कच्चा भी हम वैसे कह सकते हैं, तिरछा कच्चे की तरह ही ये सारजू का टाका बनता है। ये देखिए, इस प्रकार से धागों को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से ये जो है लगाने लगाएंगे हम लोग। और इसको ये देखो, इस प्रकार से लगाते हुए इसको हम पूरा कर देंगे। जहाँ पर मशीन नहीं चलती और कई बार कपड़े के धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, वहाँ भी हम जो है हाथ से इसको कर सकते हैं। जैसे कंधे की सिलाई है, गला बन जाता है, बाजू लग जाती है, तो वो थोड़ा सा रह जाता है, वहाँ पर पूरी तरीके से मशीन नहीं जा पाती है। तो हम जो है इसको इस प्रकार से, ये देखिए, ऐसे करते हुए हम इसको पूरा करेंगे। देखो इस प्रकार से, इसकी दूरी ज़्यादा दूर तक नहीं लेनी, इसकी 2 पॉइंट या 2 सूत जितना मोटा हम ये लेंगे। देखिए, और ये देखो, अब इसको आप ऐसे करोगे तो धागे नहीं निकलेंगे। ये देखिए, इसलिए इन धागों को रोकने के लिए इस टांके का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम मशीन पर काम करते हैं तो बार बार इस प्रकार से ये जो है आप सारजू का टाका लगा सकते हैं, और धागों को हम रोक लेंगे। इससे धागे नहीं निकलेंगे और कपड़े में मजबूती आती है। इस प्रकार से मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाऊं, और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता होगा। और अगर कोई बात या मेरी सिखाने में कुछ कमी रह जाती है, उसको आप मेरे पास कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से सिखा पाऊँ। इस प्रकार से
ये देखिए अब मैंने ये साजू का टका जो है बना करके तैयार कर दिया है, और आप ये देख सकते हैं। देखो आप ये ऐसे करने से जो है इसके धागे नहीं निकलेंगे, और इससे जो है मैंने बताया कि वस्त्र की मजबूती आती है। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।